मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज है नेक्स्ट डे ऑफ सुंदरबन टूर। तो कल हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम हावड़ा से शियालदा, शियालदा से कैनिंग स्टेशन पहुँचे थे और वहाँ से हम थोड़े दूर ट्रेवल किए थे फेरी में। तो आज है नेक्स्ट डे, तो देखते हैं हम कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या व्यू देखेंगे और सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखने के लिए बनी रहिए मेरे चैनल पर, स्टे ट्यून्ड विद अरुणा। तो ये है हमारा होटल का व्यू। होटल आपको पैकेज में इंक्लूडेड ही मिलेंगे, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको सबसे पहले मेंशन करना पड़ेगा कि आपको होटल रूम्स एसी या नॉन एसी में चाहिए। तो देखिए ये सुबह सुबह का व्यू, अभी बचे हैं सुबह के 7 और हम निकल पड़े हैं अपनी फेरी के ओर। तो चलिए आपको लेके चलते हैं और हमारा ब्रेकफास्ट भी वहीं पर ही होगा। मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि हम कैसे शियालदा से कैनिंग और कैनिंग से यहाँ तक पहुँचे थे। आज का जर्नी हमारा स्टार्ट हो रहा है पाखीरालोई से। पाखीरालोई से हम जाएंगे शोजनेखली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद हम देखने जाएंगे दोबा की कैंप। तो चलिए अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद हम पहुँचे शोजनेखली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ से हमें एक टूर गाइड प्रोवाइड किया जाएगा, जो गाइड हमारे आगे की जर्नी में हमारे साथ ही चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं शोजनेखली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी हो गया था लंच टाइम और लंच करते करते हमने बहुत सुंदर व्यू भी एंजॉय किया और उसके साथ ही हम पहुंच गए दोबा की कैंप, जो कि हमारा लास्ट डेस्टिनेशन पॉइंट था। तो इसको भी हमने अच्छे से एक्सप्लोर किया। तो चलिए अभी आपको लेके चलते हैं अंदर तक।
अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है देन फील फ्री टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे मिलेगी मोटिवेशन ताकि मैं और भी सुंदर सुंदर वीडियोस आपके लिए ला सकूं। तो अभी देख रहे हैं कि इवनिंग का टाइम हो गया है, तो हम सोचे थोड़ा देर बैठ के हम अपने व्यू को एंजॉय करते हैं। तो करते करते ही हमारा जो डेस्टिनेशन था पाखीरालय, हम वहाँ तक पहुँच गए और इवनिंग भी हो गए हैं। तो अभी शाम को हम वहीं पर ही अपना रात गुजारने वाले हैं और देखने वाले हैं वहाँ के जो ट्राइबल डांस होते हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। आज है थर्ड डे यानी कि लास्ट डे ऑफ आवर सुंदरबन ट्रिप। तो चलिए अभी चलते हैं और हमने अपने होटल से चेकआउट भी कर लिया है और सारा लगेज लेकर हम चलेंगे अभी फेरी घाट तक। तो फाइनली देखिए मैं लॉन्च चलाना सीख गई, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि 3 दिन तो हूँ इस फेरी में और मैं चलाना सीख ही जाऊँगी। तो मैं अभी चला रही हूँ, ऑलमोस्ट मैंने 5 to 6 किलोमीटर इसको चलाया और मुझे बहुत मज़ा आया। अभी हो गया था लंच टाइम और लंच टाइम में हमने खाए चिकन बिरयानी। हमारा आज इलिश बिरयानी था लेकिन हम सबकी डिमांड से बनाया गया था चिकन बिरयानी, जो हमने बहुत ही चाव से खाया और देखिए सबके साथ कितना एंजॉय किया। और एक साथ 3 दिन इतने सारे लोगों के साथ रहने से जैसे हम सब एक फैमिली ही बन गए और सब एक साथ खाना खाने से ऐसा लग रहा है कि हम घर में बैठ कर अपनों के साथ खाना खा रहे हैं। सच में पता ही नहीं चला कि कैसे 3 दिन बीत गए। और अभी खाना खा ही रहे थे हम लोग कि देखिए कितनी ज़ोरों से बारिश शुरू हो गई, चारों ओर पानी और ऊपर से बारिश। कितना अच्छा वेदर है और कितना मज़ा आ रहा है। तो आप भी एंजॉय कीजिए हम लोगों के साथ ये बारिश। ही था मेरा सुंदरबन का ट्रिप। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा देन फील फ्री टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ऐसे भी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नीचे रखे गए बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए। और आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय।